Assalamualaikum students, how are you? I hope you are all fine and enjoying good health. My name is Sumaira Farooq and I am your computer science teacher. Let's start today's lecture. Chapter number 1, MS Word. Students, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना chapter 1 complete कर लिया है और आज हम उसकी revision start करेंगे. The first topic is what is tables. Tables, an arrangement of text or information in a row and column format is called table. Text or information, यानी कि text भी हो सकता है और information भी हो सकती है. किस format में student हम MS Word में table create करते हैं? कुछ इस तरह से rows and columns format में. Horizontal जो lines हैं वो rows कहलाती हैं और जो vertical lines हैं वो column कहलाते हैं, ठीक है? तो इसमें हम डाटा एंटर करते हैं, ठीक है? रोज़ एंड कॉलम्स में हम कोई भी डाटा, टेक्स्ट है या इंफॉर्मेशन है, अल्फ़ाबेटिक राइटिंग है या न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, टेबल्स में हम राइट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है हाउ वी कैन इंसर्ट अ टेबल. एमएस वर्ड बार में स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन होती है, हम इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करते हैं. सबसे फर्स्ट स्टेप में क्लिक ऑन टेबल ऑप्शन इन द टेबल्स ग्रुप. टेबल ग्रुप में हम टेबल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. सेकंड स्टेप में क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल ऑप्शन और वहां से हम अपनी चॉइस के मुताबिक टेबल जो है वो जितनी रोज और कॉलम्स आपको चाहिए होंगी आप इंसर्ट कर सकते हैं. एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन तो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? ये फोर स्टेप्स हैं. इनको ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ वी कैन इंसर्ट अ टेबल. ये फोर स्टेप जो हैं वो आप राइट करेंगे और आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, व्हाट इज टेबल्स एंड हाउ वी कैन इंसर्ट अ टेबल. तो इसको आपने लर्न करना है अच्छे से. नेक्स्ट है एंटरिंग डाटा इन अ टेबल. यू कैन एंटर टेक्स्ट इन अ टेबल टू मूव बिटवीन द सेल्स. You can use arrow keys to enter data, the mouse pointer or tab key. Keyboard के ऊपर tab key बनी होती है student, तो उसको आप दबा के cells में data enter कर सकते हैं या आप mouse को use करते हुए data enter कर सकते हैं. Cells क्या है? Table create किया है students आपने और इसका ये जो एक part है वो सेल कहलाता है. इसके अंदर एरो कीज के साथ और माउस के साथ या टैब की के साथ मूव कर सकते हैं और इसमें डाटा एंटर कर सकते हैं कीबोर्ड से. नेक्स्ट है मॉडिफाइंग टेबल्स. मॉडिफाइंग टेबल्स के 6 पॉइंट हैं, एडिंग न्यू रो, एडिंग न्यू कॉलम, एडिंग न्यू कॉलम, डिलीटिंग रोज एंड कॉलम, स्प्लिटिंग सेल्स, मर्जिंग सेल, रिसाइजिंग कॉलम विड्थ एंड रो हाइट. ये 6 स्टेप हैं टेबल को मॉडिफाई करने के लिए, यानी कि टेबल में चेंजेस करने के लिए. अगर आपने रो क्रिएट करनी है, नई कॉलम ऐड करना है, रो या कॉलम आपने डिलीट करना है, ठीक है? स्प्लिटिंग सेल या मर्जिंग सेल. स्प्लिटिंग सेल होते हैं कि आपने एक सेल के अंदर कई सेल जो हैं आप एंटर कर सकते हैं. कैसे? आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट्स, तो उसमें आप स्प्लिटिंग सेल का मतलब है कि उसमें आप किसी भी सेल में एक और सेल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको हम स्प्लिटिंग सेल करते हैं. मर्जिंग सेल मींस आपके पास एक टेबल है, उसमें से आप कोई भी सेल मर्ज करना चाहते हैं, तो आप इजीली मर्जिंग सेल ऑप्शन यूज़ करते हुए सेल डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे और एक सेल बना सकते हैं, इसको हम मर्जिंग सेल कहते हैं. रिसाइजिंग कॉलम विड्थ एंड रो हाइट. इसी तरह आप कॉलम की जो चौड़ाई है और रो की जो हाइट है उसको में भी चेंजिंग कर सकते हैं, यानी कि उसको रिसाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग टेबल्स. स्टूडेंट्स टेबल्स को फॉर्मेट करना करने का मतलब है कि टेबल में आप कोई स्टाइलिश बॉर्डर, उसकी कोई स्टाइलिश टेक्स्ट
या उसका बैकग्राउंड कलर शेडिंग चेंज कर सकते हैं, उसको हम फॉर्मेटिंग टेबल्स कहते हैं। यानी आप टेबल्स की जो अपीयरेंस है उसको डिफरेंट फीचर्स के साथ इन्हेंस कर सकते हैं। आप उसमें टेक्स्ट राइट करते हैं, स्टाइलिश बॉर्डर लगाते हैं या बैकग्राउंड कलर उसकी शेडिंग चेंज कर देते हैं, तो ये डिफरेंट जो फीचर्स है वो फॉर्मेटिंग टेबल की वजह से सर्व कर सकते हैं। हाउ यू कैन फॉर्मेटिंग टेबल्स, फॉर्मेटिंग टेबल्स के 3 स्टेप्स हैं, अप्लाइंग बॉर्डर्स, अप्लाइंग शेडिंग, अप्लाइंग टेबल स्टाइल। या तो आप उसका टेबल का बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, ये एक टेबल है आपके पास तो इसका ये जो बॉर्डर है स्टूडेंट्स इसको आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अप्लाइंग शेडिंग, बॉर्डर में आप शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं, टेबल स्टाइल और डिफरेंट तरह के जो फीचर्स हैं टेबल्स के एमएस वर्ड में वो इंसर्ट कर सकते हैं या फिर आप कोई अपनी मर्ज़ी का टेबल स्टाइल चूज़ करते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि हाउ यू कैन फॉर्मेटिंग टेबल्स, ठीक है, और इसको आपने प्रिपेयर करना है, लर्न करना है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ मेल मर्ज, अ फीचर इन एमएस वर्ड दैट लेट्स यू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ ईमेल एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद मोर लेस सिमिलर टेक्स्ट। मीन्स के एमएस वर्ड हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक ईमेल या कोई भी डॉक्यूमेंट राइट करते हैं तो उसकी मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो हम कुछ चेंजिंग करके एक से ज़्यादा लोगों को एक टाइम में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें बार बार जो है वो डॉक्यूमेंट्स या ईमेल राइट नहीं करनी पड़ती और ये मेल मर्ज की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये सबसे बड़ा फीचर हमें एमएस वर्ड प्रोवाइड कर रहा है कि हम बार बार ईमेल और डॉक्यूमेंट्स राइट नहीं करते, उसमें कुछ चेंजिंग करके एड्रेसेस में या नेम्स में तो हम एक से ज़्यादा लोगों को एक टाइम में कॉपीज़ जो हैं वो सेंड कर सकते हैं। इसकी 3 स्टेजेस हैं, फर्स्ट है डेटा सोर्स, डेटा सोर्स कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट विल वेरी और डिफर। डेटा सोर्स में स्टूडेंट्स ये टेबल होता है जिसमें हम डिफरेंट नेम्स एंटर करते हैं और उनके एड्रेसेस और सिटीज़ नेम हमारे पास होते हैं, ये सबसे फर्स्ट स्टेज में हम डेटा सोर्स क्रिएट करते हैं। सेकंड है क्रिएट मेन डॉक्यूमेंट और उसके बाद हम लेटर की या जो ईमेल राइट कर रहे हैं उसकी बॉडी हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप है मेल मर्ज स्टेज 3, इसमें डेटा सोर्स और मेन डॉक्यूमेंट्स दोनों को ऐड किया जाता है, यानी कि ये जो हमारे पास मेन डॉक्यूमेंट है और एड्रेस है इन दोनों को इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं और ये जो मेन बॉडी है स्टूडेंट ये हम एक दफ़ा टाइप करके डिफरेंट लोगों को वो ही इनविटेशन लेटर जो है वो सेंड कर सकते हैं। कुछ वर्कशीट्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वर्कशीट नंबर 5 है मैच द स्टेजेस ऑफ मेल मर्ज विद देयर नेम्स। स्टेज 1 में स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले हम डेटा सोर्स को क्रिएट करते हैं, स्टेज 2 में हमारे पास मेन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है और स्टेज 3 में मेल मर्ज ऑप्शन होता है। और ये 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेटा सोर्स, हाउ वी कैन क्रिएट डेटा सोर्स इन मेल मर्ज, डिस्कस हाउ वी कैन मेन डॉक्यूमेंट इन द मेल मर्ज। ये 2 क्वेश्चन इनके आंसर जो हैं वो इसी स्लाइड पर हैं स्टूडेंट्स, आपने सॉल्व कर लेने हैं। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड देखें स्टूडेंट्स, द एजुकेटर्स
ये आंसर है, आपने इसको दे इस वर्कशीट को देखते हुए आंसर सॉल्व कर लेने। नेक्स्ट वर्कशीट है फिल इन दी ब्लैंक्स, वर्कशीट नंबर 7 है, फिल इन दी ब्लैंक्स एंड एक्सप्लेन हाउ वी कैन फॉर्मेट टेक्स्ट इनसाइड द टेबल। ये टेबल्स वाला जो हमने टॉपिक अभी डिस्कस किया स्टूडेंट्स, उसके अंदर आपके पास आंसर है डिस्क्राइब मेल मर्ज ऑप्शन अवेलेबल इन एमएस वर्ड। वो मेल मर्ज की डेफिनेशन राइट करेंगे। नेक्स्ट ये आंसर्स हैं, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है स्टूडेंट्स तो पेज नंबर एक्सप्लेन हाउ वी कैन फॉर्मेट टेक्स्ट इन साइड द टेबल, इसका पेज नंबर 16 के ऊपर चैप्टर 1 में आपके पास आंसर है। और डिस्क्राइब मेल मर्ज ऑप्शन अवेलेबल इन एमएस वर्ड और पेज नंबर 20 के ऊपर आंसर है। वैसे इस वीडियो के अंदर ही ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर हैं, आपने राइट कर लेने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व कर लेनी है। नेक्स्ट वर्कशीट देखें, ये स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज डेटा सोर्स, मर्ज फील्ड्स, फॉर्मेटिंग, रेसिपिएंट, मर्जिंग सेल, स्प्लिटिंग सेल एंड टेबल्स। ये 7 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स और इसके आंसर जो हैं ये आपने राइट कर लेने हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड पर आपके पास आंसर हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये पेपर में आपके पास आपको सॉल्व करने के लिए दिए जा सकते हैं और ये इनके आंसर्स हैं। वन बाय वन आपने डाटा सोर्स, मर्ज फील्ड, फॉर्मेटिंग, रेसिपिएंट, मर्जिंग सेल, स्प्लिटिंग सेल एंड टेबल, लास्ट वर्कशीट के आंसर्स हैं, तो आपने इनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपका चैप्टर जो 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, इसको आपने लर्न करना है और अपने पेपर्स की प्रिपरेशन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आई होगी इस वीडियो की। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करें, क्वेश्चन करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।